हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। की हाल चाल आ सारयां दे? सारे होपफुली वधिया होणगे। भाई आपदे घरे ना नज़ारे लेंदे होणगे सारे। भाई एक ना मतलब मैं पिछला राका दे रिएक्शन दिता सीगा, उहदे विच थल्ले मैनूं कमेंट बड़िया ने कीते कि भाई हिंदी च रिएक्शन कर दिंदा जे क्यों करदा वो। भाई देख लो पंजाबी फुल आउंदी आ, पर हिंदी ऑडियंस भी आ जिन्हां नूं समझाउणा पैंदा है ना, भी अपने पंजाबी च जो इंटरस्टड ने उन्होंने समझाना पैंता भाई पंजाबी गाने का मतलब की है, मतलब की गा रहा बंदा की नहीं गा रहा, ता करके मैं हिंदी च रिएक्शन ज्यादा करके बनाऊंगा। ठीक है, पर मैं आज भी हिंदी च बनाऊंगा। पहले तुहानू पंजाबी बोल के विखाउणी सी, मैं पंजाबी बोल के तुहानू दिखाती आ। हुण भाई आपां लैके आए मतलब गाना आया राके दा ही, नवा गाना आया स्वाद गाने का ना, ऑफिशियल 360 डिग्री वीडियो। ठीक है, तो पता नहीं हुण की आ की नहीं, की इन्हें नवा सप कढ़िया। तो आप मतलब पिछले जो गाना था भाई उसमें तो हमने बता दिया था कि राके ने क्या गाया क्या नहीं। अब अगले वाला ये वाला गाना आया, इसको सुनते हैं कैसा है कैसा नहीं। उससे पहले भाई चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो भाई। ठीक है, और अगर इसने शॉर्ट लिया होंगे तो भाई आज ये बचेगा नहीं मेरे से। मैं चाहे स्ट्राइक खा लूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज ये बचेगा नहीं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, लिरिक्स सिंगर एंड कंपोजर तीनों राका है, और म्यूजिक करा है मेविन ने, जो पहले जिसने करा था एडिट, और रोनिन एडिट और VFX रोनिन है, कोई लेबल राका का है। तो भाई स्टार्ट करते हैं, आ जाओ, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो भाई, आओ सुनते हैं। राका प्रेजेंट, की प्रेजेंट करने लगा। आप पासे ते की ये साइड में क्या कमेंट आ रहे हैं? जोंदा ही अच्छा भाई, कमेंट तो इसने पिछले गाने के सारे जो हेट वाले कमेंट थे वो तो सारे डिलीट कर दिए। जो सिद्धू पाजी के उसमें सपोर्ट में कमेंट थे वो सारे डिलीट करता जा रहा था ये साथ साथ, मैंने देखा था भाई, बहुत सारे कमेंट थे जो इसने डिलीट कर दिए। भाई मेरी बात सुनो, मतलब गाना स्टार्ट हुआ, कमेंट वगैरह दिखाए इसने, और भाई जो कंपोजिशन है, कंपोजर खुद को क्यों लिखा हुआ है भाई नीचे? किस लिए कंपोजर लिखा जब कंपोजिशन तुमने चोरी करी है भाई करण औजला के गाने की, पॉइंट ऑफ व्यू गाने की? किस लिए कंपोजर लिखा हुआ है नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में? मेरे को ये चीज समझ, कंपोजर तो उसका करण औजला हुआ ना भाई, तुमने पूरा ये तर्ज कॉपी है, सीरियसली ये कंपोजिशन कॉपी है, सीरियस नोट पे कॉपी है। म्यूजिक का मेरे को अभी तक पता नहीं है, बट कंपोजिशन कॉपी है, और ये बोल रहा है कि कमेंटों में मेरे को भाई गोली मारने के वो आ रहे हैं, थ्रेट आ रहे हैं। भाई कदों यार, मतलब मैं तीजा गाना भाई, तीसरा गाना है इसका, ये बोल रहा है कि मेरी गुड्डी अंबरी थी जब तुम पास में बैठते थे आके। भाई किसकी पोस्ट यार? देखो सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़ा सिंगर था, बहुत बड़ा सिंगर है और रहेगा भाई, वो लेजेंड है, वो जी रहा होता ना अभी तक तो तेरे को बता चुका हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ भाई, कोई सीरियस नहीं है ये जो अब बोल रहा है ना भाई। ठीक है, गोली वोली मारने के भाई नीचे लोगों ने कमेंट भी करे थे, वो नहीं, वो भाई हेट कमेंट ठीक वो नहीं करने चाहिए। आप गाली भी मत दो किसी को, आपके पास कोई तर्क है ना तो उससे भाई इसको टैकल करो। जैसे भाई अगर आपके पास कलम है तो आप लिखो इसके ऊपर गाना लिखो कि हाँ भाई नहीं ये तूने गलत गाया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया से भाई हैं दीप जसोवाल, उन्होंने एक गाना गाया था ना, मैंने देखा था वो इंस्टाग्राम पे डाला, वैसे इसको रिप्लाई वैसे करना चाहिए। तो ये गोली वोली मारने वाला यार तुम सारे भाई कंट्रोल रखा करो यार, ऐसे ऐसे कोई सही नहीं लगता, समझाने का और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। किसके लिए गाया? नहीं हमारे लिए नहीं गाया भाई, मैं बोल रहा हूँ हमारे लिए नहीं गा रहा, आई डिनाइड भाई। भाई
भाई इलेक्शन, वो सिद्धू वाले जो इलेक्शन है ना भाई, उसकी बात कर रहा है कि अगर तुम इतने ही सके हो, तुमने उसको उस टाइम पराया क्यों करा था, जब उस वोटिंग का रिजल्ट उसके हक में क्यों नहीं आया था उस टाइम पे। भाई इलेक्शन की बात अलग होती है। आप अगर किसी को प्यार कर रहे हो, ऐसे देखो यार, लोग अपना ना गवर्नमेंट भी देखते हैं, सब कुछ अपना अपना फायदा देखना होता है लोगों ने उस टाइम पे जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। आम आदमी पार्टी की हवा थी, दैट्स व्हाई सिद्धू मूसेवाला नहीं जीत पाया, वरना उसकी जीत निश्चिंत थी। और अभी अभी इलेक्शन हो जाते तो 110% जीतता भाई, ऐसी थोड़ी ना कोई बात होती है। हारा तो भाई, हारे तो सारे जो आज प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और ये आपके जो क्या बोलते हैं चीफ मिनिस्टर हैं भाई, ये भी तो हारे ही हैं। ऐसे हार जीत नहीं, वो हार के भी जीता था, नाम उसका ही ज्यादा हुआ था उस टाइम भी। बंट देसी बीजेपी ने माड़ा चंगा कह, आज 2 लाख वोटां तो सकी में गईया पै, लोग आज इत्थे गल उत्थे जाने देख दुख, इन्हां नूं ना कोई जांदे टके पिछे वेख सिखाउण बंद। ये बोल रहा है बीजेपी को 2 लाख वोटें कैसे डल गए। भाई देखो, अगर हेट कमेंट तुम्हारे गाने के नीचे हेट कमेंट आ रहे हैं, तो तुम्हें जो लाइक कर रहे हैं बंदे, उनके कमेंट भी तो आ रहे हैं ना, तो ये दो तरफ तराजू होता है भाई, उसमें तोला जाता है ये सिस्टम। तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई, किसी को अच्छी लगती होगी बीजेपी, किसी को बुरी लगती होगी, पर तुम ये रिलेशन यहाँ कैसे डाल रहे हो, ये मेरे को कोई चीज़ समझ नहीं करके। मैं चैन नाल सो गया, फिर घरों आया फोन, कहते आगे पुत हो गया फोन, तेरे बड़े वीर एक आया कहते वट दांगे तेनू जदों घरों। अगर ऐसा किसी ने भाई किसी ने कॉल करके किया है, तो मतलब वो ठीक नहीं है। मैं सीरियसली मैं डिनाई करता हूँ, ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। गा रहा है तो गा के ही जवाब दो, सीरियस नोट पे। मेरी फैमिली तो छड़ दो, एडा की मैं किहा जेड़ा इन्ना साड़ा हो गया, अगले ने छड़ी ना कसर पावे कोई राका, इको लैन नाल इन्ना माड़ा किवें हो गया, इको लैन नाल इन्ना माड़ा किवें हो गया। बाकी भाई वो मान रहा है कि मैंने वो एक लाइन गाई, वो शहीद वाली लाइन, वो सिंगरों को शहीद क्यों मान रहे हो ना, तो वो मान रहा है कि भाई मैंने गाई है, उसके लिए ही गाई है, ये भी मान रहा है। तो भाई अब इसको रिप्लाई दूंगा मैं भाई पर्सनल, मैं गाना निकालूंगा, मैं इसको रिप्लाई दूंगा 110% फॉर श्योर। अगले नेक्स्ट वीक में मैं इसको रिप्लाई दूंगा जरूर, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे। आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस भाई इसको भाई मैं नहीं छोड़ने वाला। तो तेनू किन्ने क्या मतलब, किसने बोला कि भाई तूने अपने पैसे नहीं लगाए, ठीक है भाई तूने पैसे लगाए अपने म्यूजिक बनाने के लिए लगाए, सब लगाते हैं भाई, जो भी आज काम कर रहा है सब अपना अपना पैसा लगा के ही हिट होते हैं, कोई ऐसे थोड़ी ना हिट होता है। भाई कंपनी के पास भी जाते हैं, वो भी पैसा ही मांगते हैं कि आप इतने व्यूज दो, ये वो जाते किसी को साइन नहीं कर लेते हैं वो लोग। मैनू शौक नहीं सी बल्ले बल्ले खुद दी कराउण दा, मैं ताही किया फायदा नहीं ओ पिछे छड्डे आ सारा गाना छड्ड इक्को लाइन पिछे गड्डी कार, मैं तां खुद नू वी गाने विच कहा सी बेकार। तू आपदे आप नू जो मर्जी कही जा, जेड़ा चला ही गया इस दुनिया तो, मतलब जो यहाँ इस दुनिया से चला ही गया, उसको क्यों बोल रहा है? अपने आपको 100 बार बोल भाई बुरा, हमें क्या लेना देना, तू अपने आपको बुरा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, मेरे को भाई हमको तो उस चीज़ से कुछ था ही नहीं, है ना। और हमने भाई तेरे उसके नीचे कमेंट भी नहीं करा, हमने अपना रिएक्शन डाला था, रिएक्शन में बताया हमको जो चीज़ अच्छी नहीं लगी भाई, वो हमने जरूर बताई, ठीक है। अभी भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, तू आपने भाई कंपोजर लिखा है नीचे, तो भाई कंपोजर हो नहीं आप इस गाने के, ये इस गाने का कंपोजर है करण औजला, जिसकी कंपोजिशन चोरी करके आपने ये गाना बनाया। और उस गाने में भी करण औजला को इसने डिस करा था, मतलब शॉर्ट्स दिए थे, और अभी उसी की कॉपी कर रहा है। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੱਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮਰ ਫਿਰ ਸੌ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਦੇ ਓਕੇ। भाई क्या बोलूं मैं, मतलब मैं स्पीचलेस हूँ इस चीज़ के लिए कि अपने आप ही भाई तुमने गाना निकाला, अपने आप को तुम अच्छा बोल रहे हो, अपने आप को तुम बुरा बोल रहे हो, अपने आप को सब बोल रहे हो, तुमने क्यों मतलब पंगा क्यों लिया। पहली बात तो यही कि तुमको बोलना ही नहीं चाहिए था, अगर तुम बोल रहे हो किसी के बारे में तो भाई सुनने की वो भी रखो ना कि हाँ यार उसके फैंस, यार सिद्धू मूसेवाला के फैन, वर्ल्ड वाइड फैन है भाई,
मतलब इतनी मतलब पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज हैं, सब कंट्रीज में सिद्धू मूसेवाला को सुना जाता है, और तुम उस बंदे को ऐसे मतलब अपने गाने में, वो भी उसकी उसके जाने के बाद शॉट ले रहे, अगर वो होता तो शॉट लेते तो तुम्हें पता चलती, आगे से रिप्लाई आता, फिर उसके बाद तुम्हारे भाई जो ग्राफ ऊपर था वो नीचे आता ग्राफ, तो वो बात अभी भी नीचे तो आएगा ही भाई, लोग ठीक है तुम्हें भी पसंद करेंगे लोग, है ऐसा मैं नहीं कह रहा कि भाई तुमको नहीं पसंद करते हैं या कुछ, तुम्हारे फैंस नहीं है, होंगे सबके फैंस होते हैं, बट अगर उसके फैंस को बुरा लग रहा तो तुम सॉरी बोल के सीधा साइड हो जाओ ना। अभी पिछले गाने में तुम बोल रहे थे कि भाई फ़ोन पे करके बात कर लेता या ये कर लेता वो कर लेता, पर अभी तुम शाम को फिर से मतलब गाना निकाल के ही बात करोगे, तो फिर अब हम गाने में ही बात करेंगे। मैं आपको मैं सीधा सच्ची कहना तेनू, मैं गाना कटूंगा अगले हफ्ते भाई, यहाँ तक सोमवार या मंगलवार या बुधवार, तिना दिनों चो एक दिन भाई मैं गाना कटूंगा रख के, तो जरूर मैं लिखा हुआ गाना, मैं सोचा मैं यार छट पर नहीं कटना, पर मैं हूँ कटूंगा जरूर, है भावें जो मर्जी कोई कहता रहे, हूँ मैं गाना कटूंगा। ठीक है तो आप मेरा भाई चैनल सब्सक्राइब करो, देखते रहो। ठीक है, कॉम्पोजिशन मेरे को ये करण औजला की ही लगी है, करण औजला की ही है, लगी क्या है भाई, है ही करण औजला की। ठीक है तो ये था भाई गाना, आप भी सुन के कमेंट करना नीचे, बता देना अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं सही हूँ, जैसा भी आपको लगे। थैंक यू सो मच भाई, जय है।